कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ examison1.0@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं, साथ ही साथ इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। देखिए नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स, इसमें तीन पैकेज अवेलेबल हैं, पैकेज 1, पैकेज 2 एंड पैकेज 3। पैकेज 1 में सिर्फ वीडियोज एंड PDF हैं, पैकेज 2 में सिर्फ टेस्ट सीरीज हैं, जबकि पैकेज 3 में वीडियोज प्लस PDF एंड टेस्ट सीरीज सब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल examison पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड 2021 के लिए ESI ARD सीरीज का पार्ट 56 लेकर। अभी तक इस सीरीज में टोटल 55 पार्ट्स कवर हो चुके हैं, ये हमारा 56 पार्ट है। देखिए हमारा टारगेट है फेज 1 में 75 प्लस स्कोर करना और फेज 2 में 75 प्लस स्कोर करना। इसको देखते हुए उसी हिसाब से ESI ARD और जनरल अवेयरनेस की ये सीरीज प्रिपेयर की गई है अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट, क्योंकि इस बार मॉक टेस्ट है तो काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी हमें अपना स्कोर बूस्ट करने में। पिछली बार मैंने फेज 2 के लिए टारगेट रखा था 65 प्लस, लेकिन सिर्फ 62 तक स्कोर कर पाए लोग, क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं था। लेकिन इस बार अगर 75 प्लस टारगेट है तो निश्चित रहिए आप, आराम से आपका 75 प्लस स्कोर हो जाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट उसी हिसाब से सेट किए गए हैं। तो सिर्फ आपको ये 120 से 130 लेक्चर्स देखने हैं फेज 1 के लिए। प्लीज़ एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए, क्योंकि ना ही आप उनको रिवाइज कर पाएंगे ना ही ढंग से पढ़ पाएंगे। तो अगर आप फेज 1 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सिर्फ ये 120 से 130 लेक्चर देखिए और जनरल अफेयर्स के 14 अदर लेक्चर्स देखिए, बस आपको इतना ही पढ़ना है। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि सिर्फ इसी से एग्जाम निकलेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलेगा। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है। देखिए इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है 2019-20 के दौरान इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन 5% इंक्रीज होकर 198.4 मिलियन टन होगा। कितना? 198.4 मिलियन टन। देखिए इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन पिछले 6 वर्षों में लगभग 35.61% बढ़ा है। कितना? 35.61% बढ़ा है लास्ट 6 ईयर्स में, और हो कितना गया है 198.4 मिलियन टन 2019-20 में। देखिए इकोनॉमिक सर्वे में ये बात कही गई है तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो इकोनॉमिक सर्वे करवाया है उसमें ये चीज़ कवर नहीं हुई थी, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें इंडिया में तो 2014-15 यानी 2014-15 के दौरान इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन 146.3 मिलियन टन था, जो कि 2019-20 में बढ़कर 198.4 मिलियन टन हो गया। अगर 2018-19 से इसका कंपैरिजन किया जाए तो पिछली बार से इस बार 5.70% का इंक्रीज देखा गया है। लगातार 6 वर्षों में अगर देखा जाए कंबाइंड रूप से तो इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन 35.61% बढ़ा है। ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसको कहा गया था कि मिल्क की डिमांड का एनालिसिस करने के लिए आप एक स्टडी कंडक्ट करें। तो NDDB इसके एस्टिमेट के हिसाब से 2030 तक इंडिया में जो मिल्क डिमांड है वो 266.5 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगी। कितनी? 266.5 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगी। आधी डिमांड कहां से आएगी? देखिए 57% डिमांड होगी रूरल सेक्टर से, उसके बाद जो बचेगी कितनी बचेगी आपकी? लगभग 43% बचेगी, वो आपके अर्बन सेक्टर से आएगी। पर कैपिटा मिल्क कंजप्शन 2030 तक अर्बन एरियाज में 592 मिलीलीटर हो जाएगा। इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा, इतना तो आता ही होगा आपको। तो अर्बन एरियाज में 2030 तक पर कैपिटा मिल्क कंजप्शन 592 मिलीलीटर हो जाएगा, वहीं रूरल एरियाज में 404 मिलीलीटर रहेगा। उसके अलावा NDDB ने बताया है कि 2014-15 से लेकर अभी तक इंडिया ने मिल्क प्रोडक्शन में 6.27% के हिसाब से ग्रोथ किया है। लास्ट ईयर देखा जाए तो इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन 5.68% बढ़ा है 2019-20 की बात की जाए। पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी कितनी है इंडिया में 2019-20 के दौरान? इंडिया में पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है 407 ग्राम। कितना? 407 ग्राम। ये अभी NDDB की वेबसाइट पे अपडेट नहीं है तो कंफ्यूज मत होइएगा। 2019-20 के दौरान इंडिया में मिल्क अवेलेबिलिटी है 407 ग्राम, जो कि लास्ट ईयर थी 394 ग्राम। तो ये आपके पास अवेलेबल है, याद रखिएगा। हाईएस्ट मिल्क अवेलेबिलिटी कहाँ है? पंजाब में है, सेकंड नंबर पे आता है हरियाणा। इंडिया में हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन कहाँ होता है? यूपी में, फिर राजस्थान में। देखिए इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड में जितना भी मिल्क प्रोड्यूस होता है उसका 40.56%, कितना? 40.56% इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। 2020 के दौरान 194.8 मिलियन टन प्रोड्यूस हुआ है। इंडिया के बाद USA सेकंड पे है। हालांकि इंडिया को मिला दिया जाए और 4 अन्य कंट्रीज को मिला दिया जाए तो ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन का 80.80% सिर्फ इन्हीं 5 कंट्रीज से होता है, तो कितनी अजीब बात है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसने ये प्रेडिक्शन किया है कि मिल्क डिमांड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड
1965 में एक एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी ये एक स्टैचुरी बॉडी है। ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया था जनवरी 1970 में, कब? जनवरी 1970 में ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया था मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। ये एक वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट था जिसमें आपके एनडीडीबी ने काफी क्रूशियल रोल निभाया था। एनडीडीबी के फाउंडर कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसका हेडक्वार्टर है आनंद में और चेयरमैन कौन है? श्री मिनेश शाह। तो जो ऑपरेशन फ्लड था इंडिया में, उसका जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही हैं, अमूल इंडिया। तो आपने कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ examison1.0@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं, साथ ही साथ इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। देखिए नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स, इसमें तीन पैकेज अवेलेबल हैं, पैकेज 1, पैकेज 2 एंड पैकेज 3। पैकेज 1 में सिर्फ वीडियोज एंड PDF हैं, पैकेज 2 में सिर्फ टेस्ट सीरीज हैं, जबकि पैकेज 3 में वीडियोज़ प्लस PDF एंड टेस्ट सीरीज सब।